अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। हम एनिमल किंगडम्स को, एनिमल फाइलम्स को ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ा है। तो सबसे पहली बात, एनिमल प्लेनेरिया का ताल्लुक फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस से होता है। इनको आम लैंग्वेज में फ्लैट वर्म भी कहा जाता है, फ्लैट वर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये चौड़े चपटे होते हैं, दस और लिटरली कंप्रेस होते हैं, इसलिए इनको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। ये एक्वाटिक, पानी के अंदर रहने वाले रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेटिक। इनकी बॉडी के अंदर सेलों की तीन लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट को एक्टोडर्म, मिडल वन को मेसोडर्म और इनर मोस्ट को एंडोडर्म कहा जाता है। फिर ये एसिलोमेट हैं, इनके अंदर सिलोम नामी बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती। ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर, इनके ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन को हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या? सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, बिल्कुल एक छोटा सा मुख्तसर सा सादा सा ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, बस ट्यूबुलर सिस्टम होता है, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से याद करते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। ये इसकी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला ऐसा निज़ाम है कि अंदरूनी तौर पर कोई सुराख नहीं होता, सिर्फ एक्सटीरियर बॉडी के ऊपर, सिर्फ बॉडी के बाहर पोर्स होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में किसी किस्म की कोई ओपनिंग नहीं होती, टोटली एब्सेंट होती है। फिर थ्रू स्प्रेड थ्रू ऑल द बॉडी, ये प्रोटोनेफ्रिडिया सारी बॉडी के अंदर फैला होता है, बॉडी की राइट लेटरल साइड और लेफ्ट लेटरल साइड, थ्रू ऑल द बॉडी, अलोंग द लेंथ ये एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। नेक्स्ट, ईच ब्रांच एंड्स इन अ सेलुलर सेटअप कॉल्ड फ्लेम सेल। चूंकि ये सारे बॉडी के अंदर पाया जाता है तो शाखदार होता है, शाखों की शक्ल में, नेटवर्क की शक्ल में सारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हर शाख की टॉप पर, जिस तरह से कैप होती है जो सर के ऊपर होती है, सिंपली देयर, बिल्कुल ये कैप, सॉरी दैट पार्ट इज कैप विद द सेलुलर सेटअप, उस शाख के ऊपर वाले हिस्से की तरफ। मसल अगर आप डायग्राम को देखिए, ये एक लंबी ट्यूब है, ये पूरी ऐसे लंबी ट्यूब होती है, इस लंबी ट्यूब में यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पर भी एक कैप होगी, नीचे भी कैप हो सकती है, नीचे भी ऐसे एक स्ट्रक्चर है, ऊपर नीचे वो कैप स्ट्रक्चर रखती होती है। चलिए ड्रॉ करके देख लेते हैं, से ये थोड़ी सी इसके अंदर ट्यूब है, तो इसके ऊपर भी ये ऐसे कैप लगी हुई है, इसके नीचे भी ये कैप लगी हुई है, इधर भी कैप लगी हुई है, इधर भी कैप लगी हुई है। अब हम देखिए ये ब्रांच जा रही है, ये ब्रांच के ऊपर ये कैप है, सेलुलर सेटअप, ये सेल का अलग सेटअप, ये अलग सेटअप है, ये अलग सेटअप है, ये अलग सेटअप है। तो उसकी इस ब्रांचड शाख के ऊपर एक अदर सेल को हम फ्लेम सेल कहेंगे। फ्लेम सेल के अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया, ये पूरी शक्ल दिखलाई गई है फ्लेम सेल की, ये अंदर सीलिया दिखलाया गया, सीलिया का एक अंदर गुच्छा दिखलाया गया। बीटिंग ऑफ सीलिया, फ्लिकरिंग फ्लेम, लुक्स लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम्स। जब ये सीलिया बीट करते हैं तो शक्ल ऐसे नजर आती है जैसे मोमबत्ती का शोला होता है। तो आइए जरा इसके मैकेनिज्म की तरफ पढ़ते हैं। इसमें मैकेनिज्म दो तरह से होता है, ये सीलिया अंदर दिखलाया गया, वेरी सिंपल। आप पहले इसके स्केच की तरफ आए, इसको ड्रॉ कैसे करना होता है, यहाँ से लंग आउट करें, ऐसे एक लाइन लगा दी, ऐसे ऐसे ये एक लाइन, दूसरी लाइन क्यों लगा दी, ये इसको ग्लोल कर दिया, इसको भी ग्लोल कर दिया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया और इसके ऊपर से गुजर गया, यू मिला सेंटर में, ये न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया, इधर ये सीरिया की लाइनें लगा दी जाती हैं यू मिल करके। तो ये पूरा फ्लेम सेल स्केच आपके पास आ जाता है। इस फ्लेम सेल के टॉप पर ये न्यूक्लियस होता है, ये सारा पोर्शन इसका सेल सेंट्रल पास में, अंदर ये सीरिया दिखाए गए हैं, ये एक्सक्रीटरी डक्ट होती है, ये सुराख दिए गए, इन सुराखों को हम एक्सक्रीटरी पोर्स या नेफ्रिडियो पोर्स भी कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ वो पोर्स जो बॉडी से बाहर खुलते हैं, एक्सटीरियर टू द बॉडी सरफेस ओपन करते हैं, इनका काम इनकी यूरिन को, एक्सेसिव वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना होता है, खारिज करना होता है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि सीरिया बीट करती है, सीरिया यूं ही हरकत करना शुरू करती है मुसलसल। जब सीरिया बीट करती है तो प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, उसके बॉडी फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे, प्लेनेरिया का फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ओके,
तो ये जब सीरिया बीट कर रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे अंदर आता है, ये ऐसे ऐसे बीट कर रहे हैं, फ्लूइड साथ टकराता है, तो हैव बीन दैट कंटीन्यूअस स्पेस नीचे और एस्पिरेटरी डक्ट के साथ डिपॉजिट हो रही है, जबकि जो ऊपर से वाटरी कंटेंट्स होते हैं लिक्विड मटेरियल होता है वो सारे का सारा नीचे गिरता है डक्ट के अंदर ट्यूब के अंदर आता है जहाँ से मूव करता हुआ एस्पिरेटरी कोर या लैफेडियो कोर के रास्ते बॉडी से बाहर खारिज करता है। That's why यहाँ ये कुछ मेंशन किया गया है बिगिनिंग ऑफ सीरिया कॉजेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम। जब सीरिया बीट करेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड अंदर आ जाता है, ट्यूबुलर सिस्टम इज स्ट्रेन्ड, ट्यूबुलर सिस्टम खाली करता है क्या होता है बाहर निकलता है इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट्स। यहाँ से ये सिस्टम एक्सक्रीटरी डक्ट में आया जो बेस्ड एक्सक्रीटरी डक्ट में एक्सक्रीटरी कोर के नेफ्रिडियो कोर के रास्ते बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू।